अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नाही दस्कर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या हरूफ लाम मीम नून के, लाम मीम नून और हे, इसके हम दो हरफी अल्फाज पढ़ेंगे। दो हरफी का तो आपको पता ही है कि हमने अलिफ वाओ छोटी ये बड़ी ये के साथ मिलाकर इन्हें पढ़ना होता है और लिखना भी होता है। मिसाल के तौर पर लाम को देखें, लाम अलिफ ला, लाम वाओ लो, लाम छोटी ये वी, लाम बड़ी ये ले। मीम की छोटी शक्ल को देखें, मीम अलिफ माँ, इसको याद रखना है कि इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है और लिखते हुए भी। मीम वाओ मो, मीम छोटी है मी और मीम बड़ी है मे। नून अलिफ ना, इसकी भी छोटी शक्ल है, इसको अलिफ के साथ वाओ के साथ छोटी ए के साथ आपने बिल्कुल मिला कर पढ़ना है और लिखते हुए भी मिला कर लिखना है, इसको अलग अलग नहीं लिखना। नून अलिफ ना, नून वाओ नो, जैसे ही आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, नून छोटी है नी, नून बड़ी है ने, और इसके बाद है जी हा, हे अलिफ हा, हे वाओ हो, इसको भी इकट्ठा मिला के लिखना है। छोटी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाना है, वाओ के साथ मिलाना है, छोटी ए के साथ मिलाना है, ही बन जाएगा, और बड़ी ए के साथ है। हमने इन चारों हरूफ को इन तमाम हरूफ के साथ मिला कर लिखना है। जैसे आपको मैंने बताया कि लाम अलिफ ला को भी मिला कर लिखना है, मीम को भी, नून को भी, वाओ को भी, इन सब की छोटी अशकाल के साथ आपने इन चारों हरूफ के साथ मिला कर लिखना है। ये आवाज़ें भी पैदा करते हैं और ये हमें पता चलता है कि हमने हरूफ कौन से हरूफ को मिला कर लिखना है। इन्हें कभी भी अलग अलग नहीं लिखना। हमारा आज का सबक बस यही था, यहीं पे ख़त्म होता है। आपने इसको याद रखना है। इंशाल्लाह ताला अगले सबक के साथ नए अल्फाज बनाएंगे, नए हरूफ लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।